गुड इवनिंग। आज स्पाइस पैक में हम धनी की बात करेंगे, जिसमें हमने आज करीबन 3-3.5% की तेजी आती हुई देखी। इनऑल अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से तेजी का रुख ही बनता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकली चार्ट पे आज देखते हैं कि धनी में क्या ब्रेकआउट दिखा रहा है। आज की अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में हमने पिछले एक हफ्ते में करीबन हमने 4% की तेजी धनिया के प्राइजेस में आते हुए देखे, जबकि एक महीने की बात करें तो एक महीने में हमने करीबन प्राइजेस के अंदर 15-16% की तेजी आते देखी। काफ़ी बड़ी तेजी हमने इनफैक्ट पिछले एक महीने में प्राइजेस में आते हुए देखी। जिस ढंग से हमने देखा ये तेजी, उसके कुछ फंडामेंटल रीजन है जो मार्केट में दिखाई भी दे रहे थे, बट उसके बावजूद भी हमने देखा कि प्राइजेस मूव आउट नहीं कर रहे थे। इसी की वजह से हमने पिछले एक महीने के अंदर प्राइजेस में गेन आते हुए देखा। सबसे पहला कारण है इस बार हमने प्रोडक्शन कम होते हुए देखा ये साल में। मुख्य कारण में था कि मानसून काफ़ी हमने निराशाजनक देखा था, खास करके जो की ग्रोइंग एरिया है राजस्थान और गुजरात, इसके अंदर तो मेन था कि एक तो लोअर प्रोडक्शन था तेजी के कारण के पीछे, साथ में रेन डेफिशिएंसी थी गुजरात और राजस्थान बेल्ट में, और एक्सपोर्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। हमने अगस्त मंथ में एक्सपोर्ट के फिगर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखे, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। वहीं अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो 2-3 सालों में हमने प्राइजेस में बड़ी गिरावट आते हुए देखी। करीबन हमने 65-70% की गिरावट धनिया के प्राइजेस में आते हुए देखी। करीबन जून 2018 में हमने 4,200 का भी लेवल छूते हुए देखा था प्राइजेस में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे रशिया से, यूक्रेन से, रोमानिया से, यहाँ से हमने देखा था इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, रुपया भी काफ़ी मजबूत था, इसकी वजह से इंपोर्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा था। बट एज ऑफ नाउ हमने देखा कि ये साल में ही रुपये में करीबन 15% की गिरावट आते हुए देखी गई है, तो इसकी वजह से भी इंपोर्ट जो है हमारे काफ़ी कॉस्टलियर है, तो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है मार्केट में। कुछ फार्मर्स में हमने देखा कि राजस्थान और गुजरात बेल्ट में फार्मर्स ने क्रॉप शिफ्टिंग भी की है, क्योंकि ज़्यादा यील्ड नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से राजस्थान और गुजरात के किसानों ने दूसरे क्रॉप के ऊपर अपना रुझान बढ़ाया है। ये भी एक मुख्य कारण था लो प्रोडक्शन की वजह से। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रेन डेफिसिट पूरे राजस्थान में और गुजरात बेल्ट में रहे हैं, इसकी वजह से भी प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। एक्सपोर्ट का मैंने अभी आपको अपडेट दिया ही था कि अगस्त के जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, वो भी एक प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। इनऑल इंपोर्ट का काफ़ी कंसर्न था, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा फंडामेंटल काफ़ी सपोर्टिव थे, डिस्पाइट दैट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, बट ये साल में हमने को प्लस पॉइंट ये भी है कि रुपये में जिस ढंग से हमने 15% की गिरावट देखी, तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट काफ़ी महंगे थे, इसलिए इंपोर्ट का भी हमने देखा कि कोई मेजर इम्पैक्ट प्राइजेस में नहीं आना है। तो इनऑल फंडामेंटल अगर साइड की बात करें तो फंडामेंटल काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। हम एक सीजनैलिटी एनालिसिस करते हैं। सीजनैलिटी एनालिसिस में हमें पता चलता है कि पिछले 10-11 सालों में क्या रुझान रहा है। तो जैसे कि हम देखें कि अक्टूबर मंथ में ओवरऑल प्राइजेस में तेजी आई है, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो काफ़ी मिक्स ट्रेंड रहा है, जहाँ पे हमने पिछले 2011 से अभी तक देखे तो करीबन 4 साल ऐसे थे कि जिसमें तेजी का रुक रहा है, 4 साल ऐसे थे जिसमें मंदी का, तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। बट नवंबर के अगर मंथ की बात करें तो नवंबर का मंथ काफ़ी अट्रैक्शन दिखा रहा है, जहाँ पे हमने 2011 में नो डाउट 1,000 रुपये की मंदी देखी, बट 2012 से लेकर 2017 के बीच में हर साल हमने तेजी देखी, और आज हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के एंड में बैठे हुए और प्राइजेस ने अभी से मोमेंटम स्टार्ट कर चुका है। तो सीजनलिटी के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है कि नवंबर मंथ धनिया के लिए काफ़ी अच्छा लुक्रेटिव रहेगा और अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। अगर एवरेज की भी बात करें तो हमने देखा है मिनिमम 500 रुपये की तेजी तो एवरेजली आई है, तो हमें लगता है कि यहाँ से मिनिमम 500-700 रुपया तो बैर मिनिमम जो हमने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में देखा है। तो ओवरऑल नवंबर मंथ का जो आउटलुक आ रहा है वो काफ़ी बुलिश आ रहा है। दिसंबर में नो डाउट कुछ सालों में हमने नेगेटिव भी देखा है, बट ओवरऑल हमें लगता है इस बार एरिया काफ़ी ड्रॉप है और बाकी फंडामेंटल तेजी होने की वजह से हमें लगता है नवंबर दिसंबर दोनों मंथ में तेजी का रुख रहेगा। इसी चीज़ को अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं तो क्या सिनेरियो है वो हम देख सकते हैं। धनिया का मैंने ये पिछले 3 साल का एक प्राइस सिनेरियो लिया, जहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस 8,500-9,000 के करीब से कंटिन्यू एक मंदी के दौर पर चल रहा था। ये जो येल्लो पॉइंट्स है यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ट्रेंड बना हुआ था कि हमने 8,700 से प्राइजेस में गिरावट देखी, फिर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई जो करीबन 8,000 के आसपास थी, फिर मार्केट में गिरावट आई जो नया लो करीबन 6,500 का मारा, फिर प्राइजेस में थोड़ी बहुत रिकवरी आई बट 7-800 तक ही आ पाई थी। अब यही ट्रेंड हमने कंटिन्यू नीचे आते हुए देखा और
प्राइजेस को एक बॉटम आउट होते हुए देखा जून 2018 में, जहां पे हमने करीबन 4,200 के करीब के भाव आते हुए देखे। अब प्राइजेस में मोमेंटम वापस पॉजिटिव हुआ। टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी बात करें तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव मूवमेंट प्राइजेस में आते हुए देखा। तो हमें ये लगता है कि प्राइजेस में जिस ढंग से ये ब्रेकआउट आया था 5,200 के करीब, ये काफ़ी अहम था। यहाँ से एक कैंडल हमने देखा है कि पॉजिटिवली मूव आउट किया, एक क्रॉसओवर होना बाकी है या ये ट्रायंगुलर पैटर्न है इसको ब्रेक करना बाकी है, जो करीबन हमें लगता है कि 5,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। वीकली बेस पे अगर 5,800 का लेवल ये ब्रिज कर जाता है, नो डाउट टेक्निकली यहाँ से भी मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका है, तो मंदी की कोई सवाल नहीं है, तेजी करके चलना चाहिए। बट 5,800 के बाद मार्केट की रफ्तार और बढ़ जाएगी, जो सीधा हमें लगता है कि टारगेट वाइज देखा जाए तो करीबन 6200 से लेकर 6375 का जो ये रेंज है, यहाँ तक मार्केट दिखा देगा। और नवंबर मंथ में हमने देखा हमेशा तेजी का रुख रहेगा, और ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये ट्रेंड रिवर्सल का एक अच्छा सिग्नल दिखाता है। पहले के महीनों में भी हमने देखा है कि जब जब ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है मार्केट में तेजी या मंदी आई है। यहाँ पे भी हमने देखा जैसे ये टाइम फिबोनाची का टाइम जोन चेंज होता है, यहाँ से मंदी से मार्केट तेजी में आ गया, और यहाँ पे तेजी के साथ ही तेजी में आएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बड़ी तेजी का रुख बन सकता है, जो 6,375 का इनिशियल लेवल, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है जो 6,000 के सपोर्ट से फिर से उठेगा। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये ऑरेंज कलर से मैंने मार्कआउट किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइजेस ने अच्छा सपोर्ट लिया था, जैसे ही ये ऑरेंज सपोर्ट को तोड़ा प्राइजेस में गिरावट का रुख आ गया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंट में बन चुका है, और जो करीबन 7,100 तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट देता है। ऊपर में हम और भी टारगेट देख सकते हैं, बट कंजर्वेटिवली और फेयर प्राइस जो हमें लगता है वो 7,000 से 7,100 का रहना चाहिए। तो इन ऑल आज 21 अक्टूबर है, हमने सीजनैलिटी के हिसाब से भी देखा था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये सीजनैलिटी के हिसाब से भी दिखा रहा है कि नवंबर मंथ हमेशा प्राइजेस को तेजी का रूप देता है। और टेक्निकली भी हमने देखा कि नवंबर मंथ से मार्केट में एक तेजी का उछाल आएगा, जो पहला हमारा एक टारगेट रहेगा 6,375 का रहेगा, वहां से हो सकता है 200-300 रुपए की गिरावट या रिट्रेसमेंट आ जाए। और ओवरऑल दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग तक, जनवरी मिड तक हमें लगता है कि प्राइजेस 7,000 का लेवल छूने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।